हेलो दोस्तों, नमस्कार। और फाइनली भूखा भालैया इन द स्क्रीन। इतना सारा ट्रेंडिंग वीडियो के बाद, इतनी सारे लोगों की मेहनतों के बाद फाइनली ये गाना ही नहीं, ये मूवी भी हमारे सामने थिएटर में आ चुकी है। और भाई, मूवी देखने के बाद आपको कैसी फील आई और कैसी फील आनी चाहिए, आज हम उसी की बात करने वाले और मूवी का रिव्यू देने वाले भाई जेलर का। और जेलर की स्टोरी भी थोड़ी बहुत बताएंगे आपको, रिवील नहीं करेंगे बट थोड़ी बहुत हिंट देंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और बताते हैं दोस्तों इस फेस्टिवल के राज। तो गुरुलोक साउथ में रजनीकांत की मूवी और फेस्टिवल ना हो भाई साहब, छुट्टी अनाउंस कर दी गई लीगली की भाई, इन चार स्टेट में छुट्टी तो है ही है दोस्तों। और उसके बाद भाई मूवी का मतलब फिनोमी है ना, और मूवी की मतलब लेवल देख रहे हो, छुट्टी तक अनाउंस कर दी गई तो मूवी का लेवल क्या ही होगा भाई। थिएटर्स के बाद ढोल बज रहे हैं और लोग डांस पे डांस कर रहे हैं, इतनी हाइप क्रिएट कर रखी है मूवी की। अब मूवी की स्टोरी बताने का मन तो नहीं कर रहा बट थोड़ी बहुत बताएंगे कि जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसी ही स्टोरी निकली। पॉजिटिव ही पॉजिटिव, नेगेटिव की बात ही नहीं करेंगे हम, और लोगों के रिएक्शन बहुत ही सॉलिड। बात करें हम स्टोरी की, वही फैमिली स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंटेट करी गई है और मूवी आपको पल पल हंसाएगी और पल पल में ही रुला देगी। इतना अच्छा एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और प्लस फाइटिंग के तो जो मतलब मज़ेदार सीन है ना, मतलब साउथ साउथ है। और जो पुराने साउथ को थिएटर्स में लाने वाले दम रखता है वो सिर्फ रजनीकांत सर रखते हैं। और भाई इनका जादू थिएटर्स में चलना वाकिफ है दोस्तों। बड़े से बड़ा एक्टर भी जाके पर्सनल इनकी मूवी देखना पसंद करता है, वो भी थिएटर्स में, और ना देखे तो फिर क्या ही फायदा, क्योंकि रजनीकांत सर है ही कमाल। आपको क्या लगता है दोस्तों कितना पैसा कमाने वाली है मूवी? मैंने मूवी का थोड़ा सा हिंट दे दिया है बट मूवी में बहुत कुछ है दोस्तों। दो एक्ट्रेस एक एक्टर और कमाल के विलन्स और कमाल के ही आपको थिएटर्स में एक्टर्स मिलेंगे। बट उससे अच्छी बात जो पब्लिक का प्यार है इसको उस एक्सट्रीम लेवल पे मिल रहा है। अभी भी अगर आप न्यूज़ पे लाइव जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि भी हाँ भाई एक्चुअली में इनका जो प्यार है वो जनता के पास बहुत है, और वो आपके सामने यही आज के ही दिन में दिख जाएगा। काफी लोगों ने तो अलग अलग लैंग्वेजेस में मूवी देखी है, वो भी पहला शो, काफी एंटरटेनमेंट से भरी हुई मूवी। और सातवें प्लस इसके सॉन्ग से लेके, इसकी विजुअलिटी से लेके, इसके एक्शन से लेके, मतलब एक सिंपलिसिटी सी कहानी को एक स्पाई कहानी से लेके ब्रूटल कहानी में कन्वर्ट करने में कोई देरी नहीं लगाई है। और भाई लोगों के रिएक्शन दिखाते हैं, अब आपको लोगों के रिएक्शन कितने एक्सट्रीम लेवल, और वो भी दिखाऊंगा कि लोगों के किस किस तरह के फेस्टिवल्स क्रिएट करे। चलिए 101 तक का फुल बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग थी। रजनीकांत का स्वैग, मतलब सेकंड हाफ थोड़ा सा लगा के बोर हो रहा है, एंडिंग बहुत अच्छी है ये मूवी, मेरे ख्याल से गदर को भी टक्कर दिया, मेरे को मजा नहीं आया सच्ची बोलूं तो। लोगों के रिएक्शन देख रहे हो दोस्तों इतने अच्छे एक्सट्रीम लेवल पे, इनके रिएक्शंस और इनके ये सब चीजें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ आज भी रजनीकांत सर का जो एक हाइप है वो आज भी उतनी ही लेवल की क्रिएट हुई पड़ी। और दोस्तों मेरे को खुद पर्सनली अच्छा लगा कि एक 70 साल के इंसान में आज भी उतना टैलेंट और आज भी वो हाइप्स क्रिएट हुई पड़ी है कि भाई हाँ वो बंदा उतने लेवल पे काम कर सकता है। जाइए और मूवी देखिए, टिकट खरीदिए और मज़े लीजिए फैमिली के साथ। एक्शन, लव, थीमेटिक और थ्रिल से भरी हुई मूवी जेलर। और अभी तक हमारे रिव्यू में इतना ही है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूर भूलना मत दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो डाले जाना है।